जनता अपनी कमाई से सरकार को टैक्स देती है, लेकिन उस टैक्स का पैसा कहाँ और किसके विकास में लगता है ये तो सभी जानते हैं। जैसे 15 सालों से एमसीडी में राज कर रही भाजपा को ही देख लीजिए। ये है झांसी रानी फ्लाईओवर, जिसको बनाने में भाजपा की एमसीडी ने 11 साल लगा दिए और बजट भी 700 करोड़ बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार है, जिन्होंने सिर्फ 18 महीनों में 2 नए फ्लाईओवर सीलमपुर और शास्त्री पार्क खड़े कर दिए, और वो भी 303 करोड़ की तय लागत से कम में, यानी सिर्फ 250 करोड़ में। यानी जनता का 53 करोड़ रुपए बचाया है दिल्ली सरकार ने। ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में पहली बार हो रहा है कि सरकार रिकॉर्ड टाइम में काम पूरा करती है और जनता का पैसा भी बचाती है, फिर वही पैसा जनता के और कामों में लगाती है। दिल्ली वालों के सामने दो मॉडल हैं, एक है खुद का विकास मॉडल तो दूसरा है जनता का विकास मॉडल।